कादरा दूर रहो, वो नागिन है। मैं भी नागिन हूँ, मैं नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। जिस देश की मिट्टी में रहता है उसी देश की मिट्टी का सौदा करता है, उसी देश को बेचता है। अपना देश इसकी मिट्टी माँ होती है, भारत माँ अपनी माँ का सौदा करता है। पता है ना, जो अपनी माँ को बेचता है उसे क्या कहते हैं? राक्षस, जल्लाद। अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ सबसे बड़ा नासुर, असुर। तूने इतने मासूमों की जान ली है तो आज तुझ जैसे राक्षस की जान लेने के लिए ये शिव वरदानी आई तो तू उसकी भी जान लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए? देश के लोगों की जान जाए तो जाए, बस तेरी जान ना जाए। इसीलिए सारे सपेरों को बुलाया था? ये सपेरे तेरी जान बचाएंगे, देशद्रोही। जो इस देश से द्रोह करेगा उसका विद्रोह होगा, जो इस देश की सरहद को बेचेगा उसका वध होगा, और उसका वध करूंगी मैं शिव वरदानी। खत्म करूंगी तेरे पापों की सारी कहानी, शेषनाग की सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन। आ गई हूं तेरी मौत लेने, तेरा वध करने। डर असुर डर, डर डर के मर। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, बीन बजाओ। महादेव की भक्ति हूं मैं, शेषनाग की शक्ति हूं, और आज ये शक्ति तेरे सारे घात का प्रतिघात करेगी, तेरे वार का पलटवार करेगी। अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अरे माफ कर दो मुझे, मारो मत मुझे, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई, मारना मत। आज तेरी मौत आ गई तो तू इतना डर रहा है? दूसरों को मौत देते वक्त तुझे डर नहीं लगा? बहुत पाप किए तूने, तेरे सारे पापों का अंत वापस आ गया है। तू इस देश की मिट्टी पर एक बोझ है, आज तेरे पापों का, तेरे बुरे कामों का अंत आ गया है। नागिनों की नागिन,
शेष नागिन आ गई है। कहीं डैड के पैरों के निशान तो नहीं है, लेकिन इतनी रात को इस जंगल में कहीं फोन भी नहीं उठा रहे, मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। आज इस कायनात ने, इस कुदरत ने, तेरी किस्मत ने तेरी मौत लिखी है, और आज तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। डैड, तूने देखे हैं वो लोग जो इस देश के लिए मर मिटते हैं, और एक तू है जो देश के लोगों को मारने निकला था, उन्हें मिटाने निकला था। जो दूसरों को मिटाते हैं एक दिन खुद मिट जाते हैं। तेरा भी इस देश से नामो निशान मिट जाएगा, और वो मैं मिटाऊंगी। Hi guys, this is SKG, शादी का घर। आज ना यह शादी होने वाली है, पर मेरे दोनों भाई आज शहीद होने वाले हैं। Just kidding. हाय हाय हाय। कैमरा ज़ाइदा कर, मेरी स्वैगी कितनी स्वैग लग रही है ना। देखना तू, आज तो शादी में मैं ही मैं दिखूंगी। चल एक पाउट कर। क्या हो रहा है यहाँ? राधा, तुम उस बच्ची के साथ वहाँ क्या कर रहे हो? शादी का घर है, ढेर सारा काम पड़ा है, जाओ। जी पचाई जी, चल। यहाँ फूल इतने कम क्यों है? और फूल लगाओ। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, हर काम में मुझे परफेक्शन चाहिए, ओके? और सिंगा जी, जी शादी का मुहूर्त आरंभ होने मात्र आधे घंटे बाकी हैं, इसलिए दोनों जोड़ों को बुला लीजिए, तब तक मैं मंडप की पूरी तैयारी करता हूँ। जी पंडित जी। जी आधे घंटे बचे हैं, इस वक्त लालू जी को यहाँ होना चाहिए था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। चाची जी, मैंने सुना है कोई कंसाइनमेंट आया और ललित चाचू कहीं दिख नहीं रहे, तो मैं जाके चेक कर लूँ कंसाइनमेंट। क्या कहा था मैंने तुमसे, घर के बिजनेस मेरे बेटे संभालेंगे, तुम इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? बार बार बिजनेस की बातें लेकर मेरे सामने क्यों खड़ी हो जाती हो? समझाया था ना मैंने तुम्हें, तुम इस घर की बेटी हो, बेटी बनकर रहो, घर में बेटियों के बहुत सारे काम होते हैं, जाओ जाकर वो काम करो। लेकिन चाची जी, चाचू कहीं दिख नहीं रहे। अरे दिखाई नहीं दे रहे तो क्या, बिजनेस की बातें लेकर तुम मेरे सामने खड़ी हो जाओगी? जाओ जाकर देखो दोनों दुल्हने तैयार है या नहीं, अगर नहीं है तो जाओ जाकर उनकी मदद करो। चाची जी, लेकिन मैंने ऋषभ भाई से भी बात की, उन्होंने कहा मैं आपसे बात करूँ, इसीलिए मैं समझाया ना, बात समझ में नहीं आती, जाओ। I'm so sorry अन्या बेटा, बिजनेस के मामले में तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी काम में बहुत ज्यादा खतरा है ना, तो वो यही काम है, और मैं नहीं चाहती कि इस घर की बेटियां इसमें एक भी कदम रखे। तुमको यही लग रहा है ना कि तुम्हारी चाची बहुत कठोर है? नहीं बेटा, मैं कठोर नहीं हूं, कठोर बनना पड़ता है अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। I'm sorry. ऋषभ, ऋषभ का इस वक्त उसे यहाँ होना चाहिए था। यहाँ तो कोई नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा इलाका, एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा। डैड गए तो गए कहाँ? उस मयंक ने तो बोला था डैड इसी तरफ आए, और उसने बोला था वो मयंक सच बोल भी रहा था, ये ऐसे ही बस पागल बना रहा था। डैड, आप
मैन ने तो इसी तरफ इशारा किया था, लेकिन डैड इतनी रात को इतनी सुनसान जंगल में आएंगे ही क्यों? जरूर झूठ ही बोला होगा उसने। ऋषभ बेटा कहाँ? जल्दी आ जाओ। घर पर भी बुला रहे हैं। लगता है मुझे जाना ही चाहिए, झूठ बोल रहा होगा वो। तुझे क्या लगा मेरी बहन अकेली है? नहीं, ये मेरी बहन है, मैं इसके साथ हूँ। मेरे भोलेनाथ की शक्ति मेरे साथ है। इन सपेरों को बुला के तूने मेरी बहन पर जो वार किया है, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। आज की रात तुझे बहुत भारी पड़ेगी। तेरी मौत तो वैसे भी लिखी थी, पर तूने मेरी बहन के साथ जो किया है उसके बाद तू तड़पेगा। तुझे मारने के लिए शेष ना गिनाई है। इतना दर्द दूंगी तुझे कि तेरी मौत भी तरसेगी। तेरी नस नस में, तेरे खून के कतरे कतरे में दर्द दिखेगा तुझे, दर्द। तेरे मौत के बाद भी तुझे मौत नहीं मिलेगी। सालों सालों तक तेरी आत्मा दर्द से कराहेगी, यही तेरी सजा है। देख असुर देख, एक मौत में अपनी हजारों मौत देख। दीदी दीदी आंखें खोलो अपनी, दीदी उठो, होश में आओ दीदी। आज महाशिवरात्रि की रात है, चतुर्दशी के काले रात की लाल चांद की रात। ये लाल चांद की रोशनी दीदी को कमजोर कर रही है। दीदी दीदी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको बचाऊंगी, हमारे महादेव आपको बचाएंगे, मेरे शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र आपको बचाएगा।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। प्रथा, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दी, वो भी आज की रात। आज की रात जब हम नाग और नागिनों की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। आज महाशिवरात्रि की रात है, चतुर्दशी की काली रात का लाल चांद। आज की रात तुम अपनी शक्तियां नहीं खो सकते हो, क्योंकि तुम कोई साधारण नागिनी हो ना तुम कोई इच्छाधारी नागिन हो, क्योंकि तुम नागिनों की नागिन हो, शेष नागिन, और तुम नाग वंश की रक्षा करती हो। लेकिन तुमने अपनी सारी शक्ति मुझे बचाने में, कैसे आपको नहीं बचाती मैं दीदी, आप मेरी दीदी है और इस सृष्टि में इकलौती इंसान जो इतना बड़ा राज जानती है, वो राज कि मैं शेष नागिन कैसे बनी। क्योंकि तुम्हें ही चुना गया था, तुम असुरों का अंत करने आई हो और इस देश को बचाने आई हो। पर मैं दोबारा पलट के उस रात को नहीं देखना चाहती, ना उस रात को याद करना चाहती हूँ जिस दिन मुझे शेष नागिन चुना गया था। वो एक बहुत काली रात थी दीदी। प्रथा, शेष नागिन बनना कोई श्राप नहीं, वरदान है, और तुम महादेव की महावरदानी हो। ये राज कभी दुनिया में पता नहीं चलेगा कि तुम शेष नागिन कैसे और क्यों बनी। शेष नागिन का विष जैसे ही असुर के चेहरे पे जाएगा, हमें हमारा पहला सुराग मिलेगा।
कैसे ढूंढूं, कैसे पता करूं? वो नासूर, वो दूसरा असुर। वो असुर अभी भी जिंदा है, इसमें अभी भी थोड़ी सांसें हैं। शादी का मुहूर्त हो रहा है दीदी, अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, शादी के बाद देखते हैं इसका क्या करना है। चलो। Rehana, I really am missing those days, यार। Night out, hot chicks. सच में यार ब्रो, अब तो ऐसा लग रहा है कि इस माम आई ना जिंदगी बर्बाद कर दी। लाइफ झंड हो गई है, how boring. Rehan. Mom, अंदर आने से पहले दरवाजे पर नॉक करते हैं, you know? अब तू मुझे सिखाएगा नॉक का करते हैं, शॉक का करते हैं, रैप का करते हैं, रोल का करते हैं। मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे मॉम, कुछ नहीं मॉम, बस टाइम पास कर रहे थे। तुम दोनों के पास इतना टाइम है टाइम पास करने के लिए? और ये क्या हालत बना रखी है बेडरूम का? अरे अरे मॉम, अरे मॉम, मॉम मॉम, क्या दो मिनट के लिए चैन से बैठने में नहीं दोगे क्या? चुपचाप चलो मेरे साथ, चैन की सांस लेने आए थे। और अच्छा चलो 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 चलो, आप चलो। हां चलो, दो मिनट ना। अरे दो मिनट बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मॉम, सॉरी सॉरी मॉम, सॉरी वॉरी छोड़। पहले ये बता तू कहाँ है? हाँ, आज तेरी शादी है, तेरा ध्यान कहाँ है? माँ वो सब छोड़िए, आप ये बता कि आपने डैड को कहीं देखा? कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो है कि उठाते ही नहीं। माँ मुझे डैड के लिए बहुत फिक्र हो रही है। ललित जी कंसाइनमेंट के लिए गए थे, और ये बात इसे कैसे बताओ? वो किसी जरूरी काम से गए हैं, आ जाएंगे। आज तेरी शादी है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। रिहान सुना? जी बड़ी माँ। अपने भाई को ले जाओ और इसे जल्दी से तैयार करो। माँ बात नहीं समझ रहे, बात बहुत सीरियस है। वो जो प्रथा का एक्स फियांसे था, क्या नाम था, मयंक, तो डैड के बारे में क्या बोले जा रहा था? बोल रहा था डैड को कोई जंगल में ले गया ना। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में होंगे, आ जाएंगे। और तुम मयंक की बात लेकर क्यों बैठ गया? तुझे पता है ना मयंक किस तरह का लड़का है। जा, तू जल्दी से तैयार हो जा, तेरे पापा आ जाएंगे। जा बेटा। ललित जी को कंसाइनमेंट के लिए गए हुए बहुत देर हो गई, ये अब तक वापस क्यों नहीं आए? अगर ऋषभ को गलती से भी पता चल गया ना कि उसके डैड अपने देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, तो फिर ललित जी के सामने उनका बेटा नहीं, एक देशभक्त, एक आर्मी ऑफिसर खड़ा हो जाएगा, पता नहीं क्या कर बैठेगा। भाभी। अरे आन्या, क्या हो गया? भाई देखो ना, मैं कब से प्रथा भाभी को बोल रही हूँ, दरवाजा खोले पर खोल ही नहीं रही है। इस घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके पीछे ये वजह प्रथा ही होती है। अब दरवाजा नहीं खोल रही, वो अंदर है भी या नहीं? आन्या तू जरा, मैं देखता हूँ। प्रथा, प्रथा ओपन द डोर। भाई मुहूर्त बस होने ही वाला है, चाची जी ने कहा है कि दोनों दुल्हनों को तैयार होने में हेल्प करूं, पर भाभी दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अब थोड़ी भी देर हो गई ना तो चाची बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ ना अन्या, टेंशन मत ले। प्रथा जल्दी चलो, सिर्फ आधा घंटा बचा है तुम्हारे शादी की मुहूर्त के लिए, और ये शादी तुम्हें करनी ही होगी, वरना हमें दूसरे असुरों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दीदी यहाँ से घर जाने का शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से चलते हैं। प्रथा, आज चतुर्दशी की काली रात का लाल चांद है, आज की रात हम नाग और नागिनी अपनी खेचली बदलते हैं। आज की रात हमारे लिए बहुत भारी होती है, और तुम्हारे लिए तो और भी भारी होगी, क्योंकि तुमने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी है। तुम कमजोर पड़ गई हो।
लाल चांद की चांदनी जब तुम्हारे बदन पे पड़ेगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि तुम्हारी चमड़ी कोई साधारण चमड़ी नहीं है, बहुत कठोर चमड़ी है, क्योंकि तुम इस कठोर चमड़ी के साथ पैदा हुई हो, इसकी वजह से तुम्हें तुरंत तकलीफ होगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये बात मैं प्रथा को भी बता चुका हूँ कि उसका होने वाला ससुर ना होने वाला ससुर आज मरने वाला। इतनी आवाज सुन के भी दरवाजा नहीं खोला, इसका मतलब पक्का ये अंदर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। Now I'll have to break it. उठो, शादी का मुहूर्त जा रहा है, खड़े हो जाओ, तुम अपनी सारी शक्तियां लगा दो, ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। मैं ये शादी करके ही रहूंगी। यही एक रास्ता है उन असुरों तक पहुंचने का और उनका अंत करने के लिए, और वो ललित गुजराल की डील भी पता लगानी है, और ये सब तुम्हें ही करना होगा क्योंकि तुम शेषनाग हो। हाँ दीदी, अगर यही वो चुना हुआ रास्ता है तो मैं इस रास्ते पर चलूंगी उन द्रोहियों तक पहुँचने के लिए। दीदी, मुझे जल्द से जल्द घर के अंदर पहुँचना होगा। पर कैसे करोगी? तुम्हारा रूप सामने आ जाएगा। रूप तो तब देखेंगे ना दीदी, जब घूंघट उठेगा। प्रथा, प्रथा, प्रथा भाभी तो यहाँ है ही नहीं। अरे यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? प्रथा, ये सब वो बाहर बाहर मैंने देखा, कोई नीचे गिरा पड़ा है। आधा क्या? पता नहीं कौन है। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैंने वहां क्या देखा आधा आधा। वो मैम, आपको वो इसलिए अजीब लगा क्योंकि वो डॉग बहुत जख्मी था ना, बेचारा घायल डॉग है। लेकिन आप फिक्र मत करो, वो महफूज हो गया, उसका इलाज भी हो गया है। सच कह रही तू? चल मुझे भी दिखा। आइए ना मैम, आइए। तू मेरे साथ चला और मुझे जो आधा आधा दिखा ना वो भी कैसा दिख रहा तू देख। चल मेरे साथ। ऋषभ को मेरा चेहरा नहीं दिखाना, वरना ये मेरा असली रूप देख लेगा। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हाँ, कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दोगी? सुनाई नहीं देता।
लाओ मैं कर देता। सर वो मैं तैयार हो रही हूँ सर, क्या आप बाहर जा सकते हैं प्लीज, और मुझे मेरे पापा से मिलना है। मेरे पापा कहाँ हैं? नहीं पहले तुम मुझे ये बताओगी तुम इस घर में करने के आई हो आखिर, और तुम्हारा वो दोस्त क्या नाम था उसका, मयंक, क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों मिल के? हाँ क्या बड़बड़ कर रहा था मेरे डैड के बारे में, क्या हुआ मेरे डैड को? हाँ तुम जानती हो ना मेरे डैड कहाँ है? सर इस घर में जो कुछ भी होता है क्या हमेशा मेरी गलती होती है? हमेशा क्यों मुझ पर ही सवाल उठाए जाते हैं? मुझे नहीं पता आपके पापा कहाँ हैं। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, आई नो वेरी वेल। तुम कुछ तो प्लान कर रही हो अपने उस दोस्त के साथ मिलकर। नाउ यू टेल मी क्विकली कि क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। इस घर में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? ऋषभ तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना जाओ जाकर तैयार हो जाओ, गो एंड गेट रेडी। सुनो बेटा यहां आओ, तुम बिल्कुल तैयार हो ना, यह हार मैं लेकर आई हूं, यह हमारा खानदानी हार है, यह होने वाली सास अपनी होने वाली बहू को पहनाती है, इसलिए अब यह हार मैं तुम्हें पहनाऊंगी। घूंघट हटाओ। रुक जाइए समधन जी। क्यों क्या हुआ? वो क्या है ना हमारे यहाँ परंपरा है कि शादी से पहले दुल्हन का चेहरा कोई नहीं देखता। लेकिन यह हार मुझे। समधन जी आज के बाद तो वो आपकी हो ही जाएगी, फिर आपको जो पहनाना हो पहनाइएगा, शादी तो हो जाने दीजिए। ठीक है यह हार मैं यही छोड़ के जाती हूँ। बेटा नीचे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे रे रे ये क्या कर रही है? बल्कि प्यार तो मुझे आपके छूने चाहिए, दुनिया के लिए, दुनिया के सामने हम बाप बेटी हैं, पर हम नाग नागिनों की दुनिया में आप हमारी सर्वश्रेष्ठ नागिन हो, शेष नागिन हो। पापा अब जिस दुनिया में हम हैं उस दुनिया में आप मेरे पापा और मैं आपकी बेटी हूँ, और एक बेटी के दिल में एक पापा के लिए जो इज्जत होनी चाहिए वही इज्जत आपके लिए मेरे दिल में है। आज अगर आप नहीं आते तो वो मेरा असली रूप देख लेते। आज आपने मुझे बचा लिया है। आपका मकसद पूरा करने के लिए मेरे खून का एक एक कतरा आप पे बिछावर है शेषनागिन, आपके सामने कोई भी रुकावट कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा मैं। थैंक गॉड आप आ गए। ये इतना टाइट था बंद ही नहीं हो रहा। भाई की पैंपरिंग का मौका छोड़ूंगा मैं भी नहीं छोड़ने वाला तुझे पैंपर करना कभी। अब रिच सर मैं क्या कह रहा था कि देख शादी को अभी भी थोड़ा टाइम है, तू सोच ले वो मुझे उस प्रथा से ही शादी करनी है। भाई आई एम डेड शो, मैं उसी से शादी करने वाला हूँ बस। तू इधर मेरे साथ देख, कभी बड़े भाई पे ट्रस्ट कर लिया था। देख वो लड़की सही नहीं है, गड़बड़ है वो लड़की, और ऊपर से उसका वो बॉयफ्रेंड मैन वो। अरे भाई प्लीज यार सुन लिया आपकी बात, अब मेरी बात सुनो प्लीज, मेरा कोई इरादा नहीं बदलने वाला, मैं प्रथा से ही शादी करूंगा। प्रथा एक बहन का प्यार तुमसे पूछ रहा है, क्या तुम ये शादी करूंगी? अगर असुरों तक पहुंचने का यही एक रास्ता है तो इस रास्ते पर चलूंगी। देख जिस रास्ते तू जिस लड़की के साथ निकल रहा है वो लड़की सही नहीं है, देख अभी भी वक्त है, छोड़ दे उस लड़की को, तोड़ दे ये शादी। देख ये लड़की दिखती कुछ और है कुछ और, मान जा मेरी बात, सुन ले मेरी। अरे नहीं सुनना,
अरे अपने दिल की सुनिए, जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूंगा। और मेरा दिल कहता है मैं प्रथा से शादी करूं। मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं, डिसीजन ले सकता हूं। भाई मैं प्रथा से ही शादी करूंगा, दैट इज फाइनल। तू बहुत इनोसेंट है रितेश, आई विश मैं तुझे बता सकता कि ये शादी तेरे लिए सही है। तेरे साथ साथ ये लड़की इस देश के लिए भी खतरा है। मेरा मकसद इस देश को खतरे से बचाने का है। जिस दिन मैं शेष नागिन बनी, मेरा मकसद भी बन गया था ये, कि ये सर्वश्रेष्ठ नागिन इस देश को उसके असुरों से बचाएगी। लेकिन प्रथा, तुम्हारे सपने? वो मेरा अतीत था दीदी, जो गुजर गया। मेरा आज कुछ और है, आज मुझ पे कुछ जिम्मेदारियां है जिसे पूरा करने के लिए अगर मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़े जिसे मैं जानती तक नहीं, तो मैं करूंगी। मुझे कुछ जिम्मेदारियां है, शायद इसलिए मुझे शक्तियां मिली है। प्रथा, आज चतुर्दशी की काली रात है, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत भारी होगी, लेकिन ये रात छोड़ के हर घड़ी हर पल तुम्हारी शक्तियां नाग और नागनों से कई हजारों गुना ज्यादा होगी। आज की रात तुम्हारे लिए भारी होगी। शेष नागिन चाहे कितनी भी कमजोर हो जाए, असुरों पर हमेशा भारी पड़ेगी, उनके सामने कभी नहीं हारेगी। और मेरे शिव जी की शक्ति तो है ही मेरे साथ, इसलिए तुम्हें शेष नागिन चुना गया है। और देश का इतना बड़ा काम सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम नागिनों की नागिन हो, शेष नागिन। पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई ना? सारी सामग्री है ना? हाँ हाँ, सारी तैयारी हो गई। अब दो बजने वाले हैं, दोनों जोड़ियों को बुला लीजिए। जी, अभी बुलाती हूँ। भाई, ऐसे तो नहीं जाने देंगे आपको। चलो चलो, हमारा नेक निकालो। हाँ, अपनी बहनों का नेक निकालो, नहीं तो यहाँ से निकलने नहीं देंगे। फिर लेकिन मैंने कहा मना। छोटे, तू क्या मुंह छुपा के निकल रहा है? हाँ, थोड़ा अपना पॉकेट ढीला कर, वॉलेट शॉलेट निकाल और अपनी बहनों को शगुन तो दे। एक सीन, मेरे पास में थोड़ी ना वॉलेट रखा होता है। आई एम कैशलेस भाई, नो एक्सक्यूज, डिजिटल इंडिया का जमाना है। चलो पीपी करो। पीपी? व्हाट पीपी? अरे फोन पेमेंट, चलो करो करो करो, जल्दी करो। अरे आप दोनों बोलोगे तो जान भी दे देंगे, ये नेक क्या चीज होती है। अरे क्या हो रहा है ये, अब ये मजाक बंद करो। शादी का मुहूर्त हो गया, जाओ जाकर दुल्हनों को ले आओ। एक दुल्हन तो ये रही। हाई प्रोफाइल शादी है, सबको अलर्ट कर दो, एक भी अनवांटेड आदमी नहीं होना चाहिए। और सिक्योरिटी एकदम टाइट रखना। अगर ये हॉट शॉट चिड़िया मेरे हाथ लग गई तो Hey, Miss Hina Khanna. This dress really suits you. Looking hot. तुम कितना काम कर रही हो? You must be tired. थोड़ा relax हो जाओ. Flirt कर रहे हो? सोचना भी मत. अपनी हद में रहो, वरना मैं हद तुम्हें दिखाऊंगी. Got it? लड़की जितनी बढ़ती है उसमें उतनी अकड़ है। भाई बहुत अरे टुडे यार। कोई बात नहीं, देखता कब तक हाथ में आती है हमारे हॉट शॉट चिड़िया। जाओ, ड्रीम है।
नहीं बेबे, गलत लड़की को सर पे चढ़ा रखा है। तू अपनी रिम को गलत बोल रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना, ऋषभ और रीम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बचपन के दोस्त हैं, और एक घूंघट क्या आ गया कि ऋषभ रीम को ही नहीं पहचान पा रहा है। रीम इधर है, उधर नहीं। क्या फर्क पड़ता है उर्वशी जी, पत्नी तो पत्नी होती है ना, इना मीना डीका कोई भी हो, हा? क्या फर्क पड़ता है, कदमों में तो झुकना ही पड़ेगा उसको, है ना? पर सही पत्नी के कदमों में झुकना चाहिए, है ना पुन्नु जी? हाँ राधा जी। हाँ। रितेश, तुम्हारी वाली ना, वो वाली है, उसके कदमों में झुकने का काम तुम्हारा, जाओ उसके कदमों में तुम झुको। कमरे में तो आपने मुझे अपने पैर छूने से रोक लिया, और यहाँ सबके सामने कैसे रोकेगी? मुझे सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन का आशीर्वाद चाहिए, जो वहां नहीं मिला वो अब यहाँ मिलेगा। समधन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटी के पैर क्यों छू रहे हैं? क्योंकि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और इसीलिए हमारे यहाँ बेटी के पांव छू जाए। वाह समधी जी वाह, क्या बात, दुनिया बेटों के पैरों में, आज बेटी के पैरों में। ये रस्म हमारे देश में फॉलो की जाए तो देश कहां से कहां निकल जाएगा। अब दूल्हों के पिता आगे आए और सहरे की रस्म पूरी करें। सीमा, ललित कहाँ है? फेरों की रस्म शुरू होने वाली है, उसके बिना तो नहीं होगा। दे दो मुझे फोन, हम सब सुनेंगे। नहीं, मैं लगा रही हूँ ना। अगर ललित जी डील की मीटिंग में हुए और उनका फोन रिंग हुआ तो वो मुझे बहुत सुनाएंगे। हे भगवान, फोन स्पीकर पे है, सबके सामने ऐसा कुछ मत होने देना। हेलो। हेलो ललित बेटा, तू कहाँ है? तेरे बेटों की शादी है आज, सिरों का रस्म शुरू होने वाला है, तेरे बिना नहीं होगा। वो मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, लॉकडाउन लग चुका है और मीटिंग मुझे आज ही करनी है। और तेरे बेटों की शादी, वो भी आज ही करनी है ना, तू नहीं आएगा शादी में? आप लोग शादी की रस्में शुरू कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आया। हो गई तसल्ली। पंडित जी, क्या दूल्हे की दादी तेरे की रस्म कर सकती है? हाँ क्यों नहीं, आप आ जाइए। प्रथा अपना मुंह क्यों छिपा रही है? चीजें वही छिपाते हैं जिनके दिल में राज छिपे होते हैं। हे भोलेनाथ, मेरा चेहरा कोई ना देख पाए।